हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबके अपने हिंदी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला कैसे आप लोग अपने फ़ोन पे में बैंक अकाउंट को अनलिंक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि अपने फ़ोन पे में बहुत सारे बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं, लिंक कर देते हैं, और चाहते हैं हम एक ही अकाउंट रखें और जो जो अकाउंट है उसे अनलिंक कर दे, उसे रिमूव कर ले। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग उसे अनलिंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अपने फ़ोन पे को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपने फ़ोन पे को ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग को देखिए कुछ इस, इसके बाद आप लोग को अपना फिंगर दे देना है। फिंगर देने के बाद कुछ इस तरह का खुल कर आएगा आपको फ़ोन पे, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद आप लोगों को चलिए दिखा दे रहे हैं, आप लोग को दिखा दे रहे हैं मेरे फ़ोन पे में कितना अकाउंट लिंक है। तो चलिए मैं इस पर चेक बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद देखिए इसमें यहाँ पे तीन बैंक अकाउंट मेरे फ़ोन पे में लिंक है। यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक है और एक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है और पेटीएम पेमेंट बैंक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप लोगों को इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को अनलिंक कर आप लोगों को दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको अनलिंक कर आप लोगों को दिखाते हैं। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, आप लोग को बैंक चले जाना है। बैंक जाने के बाद आप लोग प्रोफाइल लोगों पर क्लिक कर देना है। आप लोगों को ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, देखिए जैसे कि मेरा दिखाई दे रहा है, सिंपली ऐसा ही आप लोग को आपके मोबाइल में दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली आप लोग इसको इस पर क्लिक कर देना है। अपने लोगों पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का खुल कर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग को बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और आप लोग को देखिए यहाँ पे जो जो आप लोग का बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक आप लोग को दिखा रहा है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और आप लोग को यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं अपना यहीं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पे यही जो अकाउंट है इसको मैं आप लोग को अनलिंक कर आप लोग को दिखाता हूँ। सिंपली आप लोग क्या करना है, जिस अकाउंट को आप लोग को अनलिंक करना है उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का अनलिंक करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का खुल कर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाइएगा तो आप लोगों को कुछ इस तरह का खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप लोगों को अनलिंक बैंक अकाउंट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आप लोग को इसी पर क्लिक कर देना है, अनलिंक बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का खुल कर आ जाए, अनलिंक दिस बैंक अकाउंट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इस अनलिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आप लोग को यहाँ पे बैंक अकाउंट हट चुका है, आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दो ही बैंक अकाउंट शो कर रहा है। तो चलिए आप लोग को बैक कर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, बैंक अकाउंट बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, चलिए इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन आप लोग को खुल कर आ जा रहा है, एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक था जो इसको मैं अनलिंक कर दिया हूँ, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बोले इस प्रकार अपने फ़ोन पे में किसी भी बैंक अकाउंट को अनलिंक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं।